क्या आपको पता है कि जिन गाड़ियों में एयरबैग के साथ सीट बेल्ट विद प्री टेंशन ऑफ फोर्स लिमिटर होता है, तो जैसे एयरबैग बदला जाता है वैसे ही सीट बेल्ट विद प्री टेंशन एंड फोर्स लिमिटर, वो भी पूरा सेटअप चेंज होता है। और क्या आपको ये भी पता है कि सीट बेल्ट का 70% योगदान है एक्सीडेंट के अंदर इंसान की जान बचाने में? और हम अक्सर एयरबैग की बात करते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि एयरबैग सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम है, मेन जो प्राइमरी रेस्ट्रेंट सिस्टम है वो सीट बेल्ट है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर की। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज तो ये है कि सीट बेल्ट गाड़ी में बैठने के साथ लगाना ना भूलिए। तो मैं 2 मिनट आपसे बात करने के बाद फिर सीट बेल्ट लगाता हूँ। तो पहली चीज है कि अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और बाई चांस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है, खुदा ना खास्ता गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इंपैक्ट हो गया, आप सही चला रहे थे, किसी ने आगे ठोक दिया, ऐसी केस में क्या होता है, आप आगे की तरफ जाते हैं और सर आपका स्टेयरिंग पे लगेगा, आपका सीना स्टेयरिंग पे लगेगा, या आप उछल के बाहर की तरफ जा सकते हैं, डिपेंड करता है किस स्पीड पे एक्सीडेंट हो रहा है, और आपका सर लग सकता है शीशे के ऊपर, आपका चेस्ट, आपका लोअर पार्ट हिट कर सकता है स्टेयरिंग को, तो बहुत कुछ हो सकता है और काफ़ी डैमेज ये सारी चीज़ें आपको कर सकती हैं। तो पॉसिबल है कि गाड़ी को हो सकता है आपके बहुत डैमेज ना हो, लेकिन आपको डैमेज काफ़ी हो सकता है। इसीलिए कभी भी गाड़ी चलाने के पहले सीट बेल्ट अपनी ज़रूर लगा लें। और कई बार मैंने देखा है लोग लगी हुई सीट बेल्ट होती है, खाली वो आगे वाला हिस्सा उठा करके और ऐसे कर लेते हैं। प्लीज़ सीट बेल्ट अपने लिए लगाइए, अपने परिवार के लिए लगाइए, अपने घर में उन लोगों के लिए लगाइए जो आपका सुरक्षित घर वापस आने का इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए मत लगाइए कि ट्रैफिक वाला आपका चालान कर देगा, चालान के लिए सीट बेल्ट मत लगाइए प्लीज। तो अब बात करते हैं सीट बेल्ट की। अब सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है फ्रंट जो एयरबैग्स हैं ड्राइवर एंड को ड्राइवर साइड पे। तो ड्राइवर को ड्राइवर के साथ में जब एयरबैग आ गए तो एयरबैग के साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो सीट बेल्ट हों वो प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर के साथ हो, क्योंकि सिर्फ अगर एयरबैग दे दिया और सीट बेल्ट प्री टेंशनर फोर्स लिमिटर नहीं दिया तो उससे नुकसान क्या हो सकता है? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा कि सीट बेल्ट आपको रोक रही है, राइट? तो सिंपल सीट बेल्ट क्या होती है? ELR सीट बेल्ट होती है जो नॉर्मल गाड़ियों में आती है जिनमें एयरबैग नहीं होता था, ये पहले भी आती थी। तो ELR का फुल फॉर्म क्या है? ELR का फुल फॉर्म है इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर। अब अगर बाई चांस झटका लगता है, इम्पैक्ट होता है, तो क्या हुआ, सीट बेल्ट वहीं की वहीं रुक गई, लॉक हो गई है। तो ये चीज़, और इसको मैं अगर धीरे धीरे खींचूंगा तो ये खींच जाएगी, लेकिन अगर कहीं मैंने झटका दे दिया तो ये वहीं पे लॉक हो जाएगी, राइट? ये है ELR सीट बेल्ट, राइट? ये तो ये ELR सीट बेल्ट है, झटका लगने पे ये लॉक कर लेगी, इमरजेंसी लॉकिंग रिट्रैक्टर। तो सीट बेल्ट ने तो आपको लॉक कर लिया, आपकी अपर बॉडी तो लॉक हो गई, लेकिन सर का क्या, राइट? तो आपका सर जाके टकरा सकता है, मान लीजिए कोई चीज आगे से आ गई, सर आपका ऐसे हिट करेगा, या सीट बेल्ट ने आपको रोका तो हुआ है, सर यहाँ पे टकरा गया, राइट? तो गर्दन पे चोट आ सकती है, ये हो सकता है, राइट? इसीलिए हेड रेस्ट्रेंट्स भी होते हैं जो आपको गर्दन को होने वाली चोट से बचाते हैं, बट आगे की तरफ तो आप जाएंगे ही जाएंगे।
राइट। तो उसी लिए एयरबैग दिए गए कि आपका सर भी अगर आए आगे की तरफ जाए तो एयरबैग आपको सेफ रखें। तो अब सीट बेल्ट प्री टेंशन फोर्स लिमिटर एयरबैग के साथ क्यों दिया गया, सीट बेल्ट प्री टेंशनर और फोर्स लिमिटर क्यों दिया गया, उसका कारण यह है कि पहली चीज प्री टेंशनर क्या करता है। अब हम में से बहुत सारे लोगों की, हर एक की अपनी अपनी स्टाइल है गाड़ी चलाने की। कुछ लोग ऐसे आगे होके बैठते हैं, बहुत आगे की तरफ बैठते हैं। तो जब आप बहुत आगे की तरफ बैठते हो तो क्या होता है, एयरबैग कहाँ से निकलता है, आपके स्टेयरिंग व्हील के अंदर से। तो अगर आप बहुत आगे होके बैठे हैं और एयरबैग खुल गया, आपको चोट लग सकती है। तो प्री टेंशनर क्या करता है, ये आपको पहले पीछे पुल करता है, ये पीछे आपको पुल करेगा। बी पिलर में वो पूरा डिवाइस होता है जो आपको पीछे पुल कर लेगा, टाइट कर देगा सीट के साथ में। अब जैसे ही एयरबैग डिप्लॉय हो जाएगा, माइक्रो सेकेंड्स का काम है, पलक झपकते ही ये सब हो जाता है। मुझे बोलने में तो समय लग रहा है लेकिन ये सब प्रोसेस होने में माइक्रो सेकेंड का काम है ये। तो जैसे एयरबैग डिप्लॉय हो जाएगा, ये फोर्स लिमिटर धीरे से फोर्स रिलीज कर देगा। तो आप जो है आराम से जो एयरबैग है उस पर टिक जाएंगे। तो क्या फायदा हुआ, ये जो सीट बेल्ट, इतनी पतली सी सीट बेल्ट है जिसने आपको रोक रखा है, ये सीट बेल्ट जो आपके पूरे बॉडी को रोक रही है। सपोज 120 की स्पीड पे इम्पैक्ट हुआ तो 120 पे आपकी बॉडी भी चल रही है। अब गाड़ी तो एक्सीडेंट की वजह से रुक गई लेकिन आपकी बॉडी तो 120 के स्पीड पे बाहर जा रही है, आपके बॉडी के अंदर के पार्ट्स भी बाहर जा रहे हैं 120 की स्पीड पे। अब सडनली इतनी चौड़ी सीट बेल्ट ने आपको रोक लिया, क्या हो सकता है, आपकी कॉलर बोन फ्रैक्चर हो सकती है, आपकी रिब्स फ्रैक्चर हो सकती हैं, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में भी डैमेज हो सकता है। डिपेंड करेगा किस स्पीड पे आपका इम्पैक्ट हुआ। ऐसी कंडीशन में ये फोर्स लिमिटर बहुत बढ़िया काम करता है, ये धीरे से रिलीज कर देता है जिससे कि आपको सीट बेल्ट से होने वाली चोट से भी आप बच जाते हैं। तो प्री टेंशनर सबसे पहले आपको एयरबैग से होने वाली चोट से बचाता है और फोर्स लिमिटर या लोड लिमिटर आपको सीट बेल्ट से होने वाली चोट से भी बचाता है। इसीलिए जब भी गाड़ी खरीदने जाइए, प्लीज़ पूछ जरूर लीजिए कि क्या उसके अंदर एयरबैग के साथ सीट बेल्ट विद प्री टेंशन फोर्स लिमिटर है। अगर सीट बेल्ट विद प्री टेंशन फोर्स लिमिटर नहीं है एयरबैग के साथ वाली गाड़ी में, तो एक्चुअली एयरबैग का कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा है। नहीं, एयरबैग जब डिज़ाइन किए गए तो थे तो यही सोच के किए गए थे कि सीट बेल्ट की ज़रूरत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कोई भी बंद के नहीं रहना चाहता ना। लेकिन जब एयरबैग का टेस्टिंग की गई तो ये देखा गया कि सीट बेल्ट के बगैर एयरबैग कुछ नहीं है। इसीलिए एयरबैग्स को सप्लीमेंट्री रेस्ट्रेंट सिस्टम बोला जाता है और सीट बेल्ट इज प्राइमरी रेस्ट्रेंट सिस्टम। तो 70% आपकी जान बचाने में रोल जो है वो सीट बेल्ट का है, बाकी 30% में और सारे फीचर्स आ जाते हैं। जबकि हम अक्सर और सारे फीचर्स पे बहुत ध्यान दे रहे होते हैं और सीट बेल्ट पे ध्यान देना भूल जाते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगले वीडियोस आपको टाइम पे मिल सकें। और प्लीज़ सीट बेल्ट जरूर लगाइए जब भी गाड़ी में बैठें। पहला काम करिए सीट बेल्ट लगाइए, और सीट बेल्ट इसलिए मत लगाइए कि ट्रैफिक का चालान ना हो, सीट बेल्ट इसलिए लगाइए कि घर पे कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है मैं अपने आप के लिए एक इंसान हूँ लेकिन किसी के लिए मैं पूरी ज़िंदगी हो सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।